हेलो बच्चों, मैं एसपी सर अपने मैथ के अगली वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आया हूं। क्लास थर्ड के स्टूडेंट अपनी मैथ की बुक ओपन कर लें। पेज नंबर 10 ऊपर से ध्यान देते हैं। ऑर्डरिंग नंबर, तो हम बारी बारी से पहले आप लोगों को एग्जांपल समझा देंगे, जिसकी मदद से आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ऑर्डरिंग नंबर में यहाँ पे पहला टॉपिक है प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर। ये हम थोड़ा सा रीडिंग करते हैं। द नंबर दैट इज वन लेस देन गिवन नंबर इज कॉल्ड इट्स प्रेडिसेसर। जो नंबर दिया हुआ है उससे एक कम, लेस मीन्स वन लेस, यानी एक नंबर कम। जो नंबर दिया हुआ है उससे एक नंबर कम अगर हो जाता है, हम निकाल लेते हैं, तो वो उस नंबर का प्रेडिसेसर हो जाता है। जैसे ये गिवन नंबर है, ये नंबर दिया हुआ है, तो इसका प्रेडिसेसर, यहाँ पे इन्होंने समझाने का प्रयास किया है, तो ये 9121 यहाँ पे दिया हुआ है। इसका, जैसा हमने कहा कि एक नंबर लेस कर देंगे, यानी एक नंबर माइनस कर देंगे, तो उस नंबर का जो दिया हुआ नंबर है उसका प्रेडिसेसर निकल आएगा। तो इसमें से देखिए, यहाँ पर ये वन माइनस कर दिए हैं, तो ये उसका प्रेडिसेसर निकल आया। ऐसे ही नीचे 8216 का वन माइनस किए हैं, तो ये नंबर मिल गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये रहा प्रेडिसेसर। अगला है, यहाँ पे देखते हैं, द नंबर दैट इज वन मोर देन, यानी एक नंबर अधिक, जो नंबर दिया है उससे एक नंबर अधिक, जब अधिक होता है तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और जब कम होता है तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो जो नंबर दिया, गिवन नंबर मीन्स दिया हुआ नंबर, जो नंबर दिया हुआ है उसमें एक प्लस कर देंगे, तो उस नंबर का जो दिया हुआ है नंबर, उस नंबर का सक्सेसर नंबर मालूम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में समझाया गया है 5260, इसमें प्लस वन कर देंगे तो यहाँ पे 60 है, तो ऐसे नॉर्मल समझ सकते हैं, 60 में प्लस वन करेंगे तो 61, तो ये हो गया। ऐसे ही ये एग्जांपल समझ लेंगे, प्लस वन करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, और ऐसे ही नीचे बढ़ते हैं उसी पेज में। जैसे यहाँ पे देखिए समझाया गया है, इसको अपने से समझ लीजिएगा, और नीचे आते हैं। कंपैरिजन ऑफ नंबर, ये कंपैरिजन ऑफ नंबर यहाँ बताया गया है कि नंबर का कैसे कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन ऑफ नंबर मीन्स नंबरों का, जो नंबर है उसकी तुलना करना, उसको बैलेंस बनाना, समझना उसके बारे में। तो पहला नियम, रूल वन, बोला है बिटवीन फोर डिजिट, अगर दो नंबर दिया हुआ रहे, दो नंबर, जैसे एक नंबर ये दिया, एक नंबर ये दिया, दो नंबर दिया हुआ है और दोनों फोर डिजिट का है, चार अंकों का दोनों नंबर हैं, तो उसमें कैसे मालूम करेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसको समझने के लिए यहाँ पे इन्होंने पहला नियम बताया है कि दोनों नंबर को तो आमने सामने लिख लीजिए, जैसे इन्होंने लिखा है। लिखने के बाद नियम वन है, फर्स्ट नियम ये है कि थाउजेंड प्लेस, जो थाउजेंड प्लेस है उसको चेक करिए दोनों का कि कौन सा नंबर बड़ा है। यहाँ पे है 6000 और यहाँ पे है 7000, तो ऐसे ही हमें मालूम हो जाएगा, क्योंकि 7 बड़ा होता है 6 से, तो हमें मालूम हो गया कि जो ये नंबर है वो इस नंबर से क्या है, बड़ा है, यानी ग्रेटर है। तो इसलिए सिंस द डिजिट एट द थाउजेंड प्लेस इज ग्रेटर, इसलिए जो थाउजेंड प्लेस का नंबर बड़ा है वो नंबर क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे, सो ये देखिए ये निशान है, यहाँ का ये सिंबल है, तो इसको हम ये कह सकते हैं कि जो नंबर बड़ा रहेगा उसकी तरफ मुंह खुला है, देखिए मुंह खुला हुआ है उसका, तो ये है।
थोड़ा नीचे आते हैं, और नीचे आने के बाद इसका सेकेंड रूल है, अगर मान लीजिए उन्होंने कहा इफ द नंबर हैव द सेम डिजिट, अगर थाउजेंड प्लेस का नंबर क्या है सेम डिजिट है, एक समान है, यानी वहाँ फाइव है तो यहाँ भी फाइव है, दोनों में समान है, तो क्या करेंगे आप, कैसे मालूम करेंगे? तो सीधी सी बात है, तो जो थाउजेंड प्लेस है उसको छोड़ देंगे, अब बढ़ जाएंगे हंड्रेड प्लेस की तरफ, यहाँ लिखा है हंड्रेड प्लेस, उसको मिलाएंगे कि क्या है बड़ा है या छोटा है, इस पेज पे यहाँ पे इन्होंने बताया है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल के हिसाब से, यहाँ पे देखिए 9000, यहाँ भी 9000, अब जब सेम है तो क्या करेंगे, इन्होंने कहा है कि जब सेम है तो 100 प्लेस को मैच कराइए, देखिए यहाँ पे 200, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए 200 है, यहाँ पे 200 है, सॉरी यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 300 है, तो ऐसे ही मालूम हो गया कि जो नंबर 300 वाला है वो बड़ा होगा। तो इसलिए सिंस द डिजिट एट द 100 प्लेस इज स्मॉलर, तो ये छोटा है, यानी ये 100 वैल्यू जो 2 है या 3 है तो ये छोटा हो गया 3 से, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो ये बड़ा हो जाएगा, तो मुंह इसकी तरफ खुल जाएगा, देखिए खुल गया है यहाँ पे मुंह, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगर मान लीजिए 100 वैल्यू जो 100 के स्थान पे नंबर है वो भी सेम है तो क्या करेंगे, अगला नियम यहाँ पे इन्होंने समझाने का प्रयास किया है, इफ़ द नंबर हैव सेम डिजिट एट द 1000 and 100 प्लेस देन द नंबर विद ग्रेटर डिजिट एट द 10th प्लेस इज ग्रेटर। अगर भाई 1000 प्लेस का दोनों मैच कराते हैं, ये 9000, ये 9000, 800, ये भी 800, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ पे 72 है और यहाँ पे 8 है, यानी यहाँ 70 है यहाँ 80 है, तो हम ये देख रहे हैं कि 7 बड़ा है कि 8, 8 बड़ा है, तो हमें मालूम हो जाएगा कि ये जो 10th पर ये नंबर है 8 ये बड़ा है, तो ये नंबर बड़ा होगा, ये नंबर बड़ा होगा तो ये पूरा नंबर बड़ा हो जाएगा, ये नंबर पूरा बड़ा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका 10th प्लेस का नंबर 8 है, इसका 7 है, जो ये नियम बता रहा है। इसलिए सिंस द डिजिट एट द 10th प्लेस इज स्मॉलर, तो ये स्मॉलर है तो ये स्मॉल हो जाएगा, और ये ग्रेटर है तो ये ग्रेटर हो जाएगा, तो जो नंबर बड़ा रहेगा उसकी तरफ मुंह खुला रहेगा, देखिए मुंह खुला हुआ है यहाँ पे, ठीक। अब इसी पेज में अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं देखते हैं, यहाँ पर अगला रूल है, इफ़ द नंबर हैव सेम डिजिट, इसको पढ़ लीजिएगा, टाइम अधिक लग रहा है, तो अब देखते हैं कि यहाँ भी टू है 1000, यहाँ भी 2000, यहाँ पे 900, यहाँ भी 900, यहाँ पे 70 यानी 7, यहाँ भी 7, और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, यानी 1s की जगह पे यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो अब 1s का तुलना करेंगे, 1s का कंपैरिजन करेंगे, जो 2 है वो स्मॉल है, जो 3 है वो यानी ग्रेटर है, ऐसे ही हमको समझ आ रहा है कि भाई 2 स्मॉल है या 3, तो आप कहेंगे 2, ठीक है। तो नीचे आते हैं, तो ये तो इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल, लेकिन ये 3 जब ये हो गया ग्रेटर, तो हमें मालूम हो गया कि ये नंबर इस नंबर से ग्रेटर है, क्योंकि इसका 1s का जो नंबर है वो 3 है और ये 2 है, तो हम यहाँ समझ रहे हैं कि सिंस द डिजिट एट 1s प्लेस इज ग्रेटर, अब 1s प्लेस का नंबर यहाँ पे क्या है, ग्रेटर, ग्रेटर मीन्स बड़ा है, तो ये छोटा हो गया ये बड़ा, यानी इसकी तरफ मुंह खुला रहेगा इस नंबर की तरफ, क्योंकि ये नंबर बड़ा है, ठीक है बच्चों, समझ में आया इतना आसानी से, जितना हम एग्जांपल के द्वारा समझा रहे हैं अच्छे समझिएगा। इसी पेज में नीचे बढ़ते हैं, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ते हैं,
आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा, तो बस एक बार समझ लीजिए थोड़े से और फिर कर लीजिएगा। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि हम छोटे नंबरों से बड़े नंबर की तो बढ़ते हैं, जो नंबर छोटा रहता है उसको पहले लिखते हैं और जो नंबर बड़ा होता है उस नंबर से उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे लिखते ही चले जाते हैं जितना नंबर दिया रहता है। तो इसमें इन्होंने कहा है अरेंज करिए, यानी व्यवस्थित करिए कि जो नंबर दिया है इसको असेंडिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते हुए क्रम में इसको ढंग से लिखिए। तो इस नंबर को हम देखते हैं, पहले हम ढूंढते हैं कि सबसे छोटा नंबर यानी सबसे स्मॉलर नंबर कौन है। तो 900 देखिए 26 है, क्यों? क्योंकि ये भी 1000 में है, ये भी 1000 में, ये भी 1000 में है। तो पहले छोटा नंबर ढूंढ लिए, ढूंढने के बाद यहाँ लिख लिए। उसके बाद अब 1000 में बढ़ते हैं, जैसा भी हमने ऊपर पढ़ा कि 1000 का एक एक नंबर 1000 पे जो है उसको चेक करते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 2 है। अब ये दोनों सेम है, ये 9 तो बड़ा है, ये तो क्लियर है, इसको छोड़ दीजिए। जो सेम है उसका चेक करिए 100 वाला, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो ये स्मॉल हुआ, ये आपका बड़ा हुआ, तो यहाँ पर इसको लिख दिए। अब इससे बड़ा यही है तो इससे बड़ा यहाँ ये लिख दिए, इससे बड़ा सबसे बड़ा ये, सबसे बड़ा यहाँ लिख दिए, काम खत्म। ठीक, तो ये अरेंज हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। अब हम अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे इन्होंने समझाने का प्रयास किया है, जैसे अभी हमने बताया बोथ आर सेम, कह रहे हैं ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो ऐसे ही इन्होंने बताया समझाया है, तो इस ढंग से भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये भी अरेंजिंग का है, अपने से स्वतः करिएगा। और इसके नीचे बढ़ते हैं, नहीं सॉरी एक मिनट, ये डिसेंडिंग ऑर्डर का है। डिसेंडिंग ऑर्डर वी मूव द ग्रेटर नंबर टू स्मॉलर नंबर, उसी का अपोजिट यानी उसी का उल्टा। असेंडिंग ऑर्डर में था कि हम छोटे नंबर से बड़े नंबर की ओर बढ़ रहे थे, और डिसेंडिंग ऑर्डर में उसी का अपोजिट यानी बड़े नंबर से छोटे नंबर की ओर बढ़ जाएंगे, लिख देंगे तो वहीं आपका डिसेंडिंग ऑर्डर नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, ये देख लीजिए, तो इसका हम क्या कर देंगे, पहले सबसे जो नंबर क्या है बड़ा है, जो ग्रेटर है, उस नंबर को हम ढूंढ लेंगे। पहले यहाँ देखते हैं 7000, यहाँ भी है 7000, यहाँ भी है, यहाँ 5000, यहाँ 8000 है। तो हमने कहा था पहले 1000 से करेंगे, तो 1000 में 8 है, तो यहाँ पहले इसको लिख देंगे 8000 वाला, 8000, 1 1 2 6, बड़ा हो गया ये। इसके बाद यहाँ 7000, यहाँ 7, ये दोनों सेम है, यहाँ 100 है और यहाँ 200 है, तो 200 बड़ा हो जाएगा। तो इसके बाद हम लिख देंगे 7 2 9 3, ये लिख देंगे। इसके बाद ये लिख देंगे 7 1 5 6, इसके बाद 5 1 2 और 0, ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर यानी बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ। यहाँ पे देखिए इन्होंने समझाया है, देखिए पहले ये लिखा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, क्यों? क्योंकि 8000 सबसे बड़ा है, फिर 7000 सेम था, तो सेम था, इसमें 100 वैल्यू जो थी यहाँ पे 200 हो गया था, यहाँ पे 200, यहाँ पे 100, तो 200 का बड़ा हो जाएगा, तो ये लिख दिए, फिर 100 आ गया, फिर ये तो सबसे स्मॉल है, ये सबसे पीछे जाएगा। तो ये आपका हो गया। ठीक है, ये नीचे थोड़ा सा पढ़ लेंगे इसको। अब हम इस वीडियो का अगला अंतिम जो है पढ़ा दे रहे हैं, एक्सरसाइज 1.4, जो अभी हमने एग्जांपल समझाया एकदम सेम उसी के प्रकार का है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि प्रेडिसेसर द गिवन नंबर, प्रेडिसेसर मीन्स एक नंबर लेस,
एक नंबर कम, जो नंबर दिया है ये नंबर दिया हुआ है यानी इससे एक नंबर कम, कम करने के लिए माइनस करना पड़ेगा, जो नंबर दिया है उसमें से वन माइनस करेंगे तो उसका प्रेडिसेसर नंबर निकल आएगा। तो इसी में से क्या करेंगे, माइनस वन कर देंगे। माइनस वन करने पर क्या निकलेगा, अब आप माइनस कर लीजिए, चाहे कैसे भी कर सकते हैं, जो तरीका आपको समझ में आए, जैसे सेवन वन सिक्स एट है, माइनस वन कर दीजिए, ऐसे कर लीजिए, एट माइनस वन हो जाएगा सेवन, इधर कुछ नहीं है तो सिक्स हो जाएगा, वन हो जाएगा सेवन हो जाएगा, ये ऐसे आप लिख दीजिए, सेवन सॉरी इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, सेवन आया, वन आया, सिक्स आया, और इसमें से वन माइनस हुआ था सेवन, ये आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही इसको कर लेंगे, वन माइनस इसमें से भी वन माइनस, 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 इसके बाद जो नंबर आएगा वो प्रेडिसेसर नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं, अभी हमने बताया एग्जांपल में सक्सेसर नंबर, जो नंबर दिया है सक्सेसर यानी उसका एक अगला नंबर, यानी एक नंबर क्या करेंगे प्लस करेंगे, एक नंबर प्लस करेंगे, प्लस करना तो सबको आता है, पिछली कक्षाओं में सीख चुके हैं, एक नंबर प्लस कर देंगे तो जो नंबर दिया है उसका सक्सेसर मालूम हो जाएगा, ऐसे ही प्लस कर लेंगे। जैसे ये नंबर दिया है, इसमें मान लीजिए हम पहला बताते हैं, ये देख रहे हैं कि नाइन टू वन और एट, इसमें वन प्लस कर लेंगे, नाइन वन क्या हो जाएगा, एट वन क्या हो जाएगा, नाइन और ये वन और ये टू और ये नाइन, यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे नाइन, क्या लिखेंगे, नाइन टू वन नाइन, ये आंसर हो गया। ऐसे ही इसमें प्लस वन कर देंगे, 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 ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें अब आगे दिया हुआ है, जैसा हमने बताया कंपैरिजन नंबर, ये तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स सिंबल्स ग्रेटर देन लेस देन एंड इक्वल टू, कौन सा नंबर बड़ा है उस नंबर के बीच में सिंबल लगाना है बस, और कुछ नहीं करना है। अब चेक करना है कि नंबर कौन सा बड़ा है, अब इसको देखिए, अगर इक्वल है तो इक्वल का निशान ये लगा सकते हैं, 9000 पढ़ना पड़ेगा, 9998 है बस, और ये एक मिनट, 998 ये है, और ये है 2136, तो ये तो ऐसे ही हमको मालूम चल रहा है कि ये नंबर क्या है आपका बड़ा है। तो अभी हमने बताया कि जो नंबर बड़ा रहेगा उसकी तरफ मुंह खुला रहेगा, तो यहाँ पे मुंह खोल दीजिएगा, ऐसे ऐसे ही चेक करिए, इसमें देखिए, इसमें देखिए, इसमें सेकंड वाले में देखिए 6000, यहाँ भी 6000, 100 यहाँ भी 100, 20 यानी 2 सेम चल रहा है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, यानी ये बड़ा हो गया, तो जो नंबर बड़ा रहेगा उसकी तरफ मुंह खुला रहेगा, नंबर बड़ा हो गया। ऐसे ही इसको नीचे करेंगे, ठीक है। अब हम और नीचे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जो हमने बताया असेंडिंग ऑर्डर, जो हमने एग्जांपल बताया समझ लेंगे तो उसके अनुसार ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। असेंडिंग ऑर्डर में जो नंबर छोटा है सबसे पहले उसको लिख लेंगे, पहले उसको लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद उससे बड़ा खोजेंगे, फिर उससे बड़ा खोजेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर से 1 2 3 4 बार दिया है तो 4 बार आएगा, ऐसे लिख लीजिएगा इसको। इसी के नीचे ये है आपका 5वां क्वेश्चन, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर यानी बड़ा नंबर फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे इसमें खोज लेंगे, सबसे बड़ा कौन है पहले देखिए, यहाँ पे ये 3000 है, ये 1000 है, ये 8000 है, ये 9000 है, तो ये 9000 है, तो 9000 वाला बड़ा है तो सबसे पहले लिख देंगे,
ये पहले लिख देंगे, इसके बाद ये लिख देंगे, इसके बाद ये लिखेंगे, क्योंकि 3000 ये सबसे स्मॉल है, ये सबसे छोटा है, ये सबसे पीछे जाएगा, ठीक, ये ध्यान देंगे। ऐसे ही जो नंबर दिया है इस पर कर देंगे, नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन सेंड कर देंगे तो हम भेज देंगे, ठीक है, उन्हें समझा देंगे। अगला क्वेश्चन है 6, मेक द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग द डिजिट, कह रहे इसी नंबर को मिला करके बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या को लिखना है, यानी इन्हीं 4 नंबर दिया हुआ है, इसी नंबर से बड़ी संख्या बनाना है और इसी नंबर से छोटी संख्या बनाना है, ठीक है, इसको अपने से प्रयास करिएगा, नहीं आएगा तो जैसा मैं अभी मैंने कहा वीडियो लंबा हो रहा है ना, तो इसको अपने से करिएगा, इसी नंबर से बनाना है बनाइएगा, नहीं आएगा तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप भेजेंगे तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ तक, जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया है वो आप हमसे पूछ लेंगे, हम बता देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो समाप्त करते हैं, ओके, थैंक यू।